नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें क्या काम है। साइन ऑफ जेड का फंक्शन बता दिया गया है और आपसे कहा गया है कोई पॉलीगोनल फंक्शन है, दो पाथ है, एक दफ़ा 0 से 1 तक जाना है, एक दफ़ा 1 से 1 प्लस एटा तक जाना है। तो इसको देखें, अगर आप प्लॉट करो, 0 का मतलब है यहाँ पर कहीं 0 0 आ रहा है आपके पास, 1 का मतलब क्या है यहाँ पर कहीं 1,0 पड़ा हुआ है, एक पाथ ये है, दूसरी पाथ ये है, 1 से लेके 1 प्लस एटा यानी दोनों का 1 1 यहाँ कहीं होना है, 1 × 1। तो सेकंड पाथ में आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है। पहले इस वाले पाथ पे आ जाएं, इस वाले पाथ में देखें कौन सी इक्वेशन आप बना सकते हो। इस वाले पाथ में दोनों जगह वाई जीरो है तो वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एक्स की लिमिट 0 से 1 आ जाएंगी। फिर एक्स को कोई और भी टेरिटरी टी ले लोगे, उसके रिस्पेक्ट से बना दोगे। सेकंड वाले पाथ पे आ जाओ, सेकंड वाला पाथ से स्ट्रेट लाइन है, दोनों में देखो कौन सी वैल्यू फिक्स है। एक्स इक्वल टू 1 फिक्स है तो एक्स इक्वल टू 1 ले लोगे, वाई की लिमिट 0 से 1 आ जाएंगी। इसमें अब वाई आपको एक और भी टेरिटरी वैल्यू दे रहा है, एक्स की तो वैल्यू फिक्स है इसलिए वाई को टी ले लोगे, उसके रिस्पेक्ट से बता दोगे। अब ये जो दोनों फंक्शन निकले हैं, इसे एक्स प्लस एटा वाई की फॉर्म में लिखोगे, इस वाले को भी एक्स प्लस एटा वाई की फॉर्म में लिखोगे। फर्स्ट वाले पाथ को जेड वन के रिस्पेक्ट से करोगे, सेकंड वाले पाथ को जेड टू के रिस्पेक्ट से नेम दे देना आप। उसको दोनों को नेम देने के बाद आप कहोगे दो पाथ है तो दो दफा कंटोर का फॉर्मूला लगेगा। दोनों को फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए जो गिवन फंक्शन है, पहले एक की वैल्यू पुट करोगे, फिर दूसरे की वैल्यू पुट करके फंक्शन पे वैल्यू निकाल लोगे। दोनों के जो जेड निकले थे वहां से दोनों के डेरिवेटिव निकाल लोगे। लिमिट्स दोनों की बेसिकली यहां से हमें पता चल गई है, एक की 0 से 1 है, दूसरे की लिमिट भी आपके पास 0 से 1 है, तो दोनों की लिमिट्स लगाओगे, फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे, तो एडजेंट ये आंसर आ जाएगा। अब कोस एटा और साइन एटा को इस तरह हम नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इसका हाइपरबोलिक के फॉर्म में फॉर्मूला लगाया कि कोस एटा बेसिकली कोस एटा जेड कोस हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होता है, इसलिए मैंने कोस एटा जेड 1 था तो कोस एटा की जगह कोस हाइपरबोलिक लिखा है, और साइन एटा जेड आपके पास साइन हाइपरबोलिक जेड के इक्वल आता है, डैट्स वाई, और साथ में एटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जेड 1 था उसकी जगह मैंने साइन आयोटा की जगह साइन हाइपरबोलिक जेड था, आयोटा बाहर आना था इसलिए यहां मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, सारे का सारा काम वैसे ही होना है। 13 है, 13 में भी दो पाथ बताई हुई है, 1 से आयोटा और आयोटा से -1, लेकिन यहाँ सर्कल की फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है एक चीज़ और दूसरी लाइन सेगमेंट की फॉर्म में है। जो सर्कल की फॉर्म में है आपको पता है रेडियस 1 है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कोस टी वाई प्लस टू साइन टी आएगा। अब सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये आर्क है, आर्क होता है किसी भी एक चीज़ का एक टुकड़ा, जैसे कि हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, आर्क का मतलब होता है सिर्फ इसका एक टुकड़ा, एक टुकड़ा ये वाली चीज़ है, यानी इधर से लिमिट हमारे पास 0 से π/2 बनेगी, डैट्स वाइज की लिमिट ये आ जाएंगी। पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है 1 से आयोटा है, 1 से आयोटा के हम रिस्पेक्ट से काम करना था, तो लेकिन यहाँ पे हमें बेसिकली सर्कल की फॉर्म चाहिए थी क्योंकि सर्कल की पाथ है हमने लिख ली है, लिमिट्स भी वैसे ही आ गई हैं। दूसरी चीज़ लाइन सेगमेंट है, यहाँ लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आयोटा से -1 तक जा रहा है। आयोटा का मतलब ये है कि x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 1 है, -1 का मतलब भी x एक्सिस -1 है और y 0 है। दोनों ऑर्डर पेयर लिखोगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालोगे, डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिख दिया वो आपके पास ये आ जाएगी। सारे का सारा काम y की फॉर्म में x इक्वल्स टू आर्बिट्रेरी t लिख दोगे। अब देखें सारे का सारा काम x की फॉर्म में, लिमिट्स x की आएंगी, x की लिमिट 0 से -1 थी इसलिए -1 से 0 थी, क्योंकि देखिए जब मैं इसे प्लॉट करूंगी आपके पास 0 और 1 का मतलब ये है y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 0, ये पॉइंट आएगा 0 1, ये पॉइंट है -1 0, यानी x एक्सिस पे कहीं -1 और ये कहीं 0, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ पे जा रही है तो लिमिट -1 से 0 है, डैट्स वाई -1 से 0 आएगी। दोनों पाथ्स निकालनी है, दोनों में x प्लस एटा वाई करके उसके फंक्शंस लिखोगे, दोनों की लिमिट्स लिखोगे, करने के बाद फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो जो फंक्शन दिया हुआ है इमेजिनरी वहाँ दोनों जेड की वैल्यू 1/1 पुट करोगे। दोनों जेड की वैल्यूज पुट करने के बाद दोनों फंक्शंस की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। फंक्शंस की वैल्यू निकालने के बाद दोनों जो जेड थे उसके डेरिवेटिव्स लोगे, लिमिट्स हमें पता है, उसके बाद लिमिट्स दोनों की पुट कर दोगे, दोनों के फंक्शन की वैल्यू, दोनों के डेरिवेटिव्स सॉल्व करोगे, जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन ले लोगे, जो सिक्योर की फॉर्म में आएंगे हाफ एंगल आइडेंटिटी से फॉर्मूलाज लगाओगे, जिस जिस चीज़ का फॉर्मूला यूज़ होना है स्टेप बाय स्टेप पे अलग लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करोगे, करने के बाद एट द एंड आपका आंसर 3/2 - π/4 आ जाएगा। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए लिमिट्स कैसे देनी है, आपको ये पता होना चाहिए डायग्राम किसकी है, स्ट्रेट लाइन की है, सर्कल की है या सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग बस सब्सटीट्यूशन करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन ईजी है। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है, ये बिल्कुल 13, 12 की तरह है, ये आपने खुद करने हैं, इसके सॉल्यूशंस ladder.com से निकाल सकते हो। अब आज का लेक्चर सुनो बच्चों, अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं आपको वो समझा देती हूँ।